नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कही अहम बात। राशन कार्ड बनाने के लिए जल्द ही शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया। पुलिस हिरासत में सरकारी कर्मी की जान जाने के मामले में सियासत गरमाई। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की उठी मांग। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राशन कार्ड बनाने के लिए जल्द ही ऑनलाइन प्रक्रिया की होगी शुरुआत। राज्य में अब राशन कार्ड बनाना आसान होने वाला है। बिहार के निवासी अब किसी भी राज्य में आसानी से राशन कार्ड बनवाने को लेकर आवेदन जारी कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट से जोड़ने का काम किया है, जिसके बाद राज्य के सभी राइट टू सर्विस काउंटर पर अब राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत ही अब कोई भी योग्य व्यक्ति राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको बस राज्य के फूड पोर्टल पर जाना होगा, वहां ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा और सही पाए जाने पर 30 दिन के अंदर राशन कार्ड आपके पते पर भी भेज दिया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 259 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 76 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही वेस्ट चंपारण में 20 और मुजफ्फरपुर में 19 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 133 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,62,371 पर पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,579 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम रिकवरी दर की बात करें तो यह दर 98.81% है। बिहार में लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कही अहम बात। बिहार में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही कई लोगों ने बिहार में लॉकडाउन जैसी खबरें वायरल कर दी है। हालांकि अब स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ही इसको लेकर अपना बयान जारी कर दिया है और साफ कहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति अभी नियंत्रित है। स्थिति इतनी खराब नहीं है कि अभी लॉकडाउन जैसे हालात बने। इसके साथ ही बिहार में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस राशि से कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्री की खरीदारी की जाएगी। मंगल पांडे ने इस बाबत यह भी साफ कर दिया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में बिहार ने बाजी मारी है और अब भी सतर्क है। सबसे पहले आवेदन करने वालों को मिलेगी सभा की अनुमति। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इतना ही नहीं, चुनाव को लेकर समय समय पर अपडेट भी जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि यदि एक ही दिन में और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं तो उस उम्मीदवार को अनुमति लेनी होगी जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए जारी निर्देश के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनावी सभा के आयोजन को लेकर अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करने की बात कही है। इसके साथ ही आयोग के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार या चुनाव बैठक के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेरा ने यूथ होम्स डेवलपर पर कसा तंज। पटना सहित बिहार के कई जिलों में जमीन और प्लॉट की खरीद को लेकर आए दिन कई शिकायतें सामने आती रहती। इतना ही नहीं, फ्लैट खरीदारी के मामले में कई बार फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया है। इस पर कार्रवाई के लिए रेरा की तरफ से समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में रेरा ने द न्यूयॉर्क हेलमेट पर शिकंजा कसा है। मिली जानकारी के अनुसार यूथ होम्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को रेरा ने नोटिस किया है। बताया जा रहा है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के ही कंपनी फर्जीवाड़ा किए जा रही थी। कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के जमीन और प्लॉट की खरीद बिक्री कर रही थी। रेरा ने 1 अप्रैल को अपने कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। पुलिस हिरासत में सरकारी कर्मी की जान जाने के मामले में सियासत गरमाई। हाल ही में भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले में रहने वाले सिंचाई विभाग के कर्मी संजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद हिरासत में ही उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश तो देखने को मिला ही, साथ ही पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में विपक्षी पार्टियों के शिष्टमंडल ने बीते दिन जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही परिजनों को संतावना देते हुए हर संभव सहायता दिलाने का वादा भी किया है। इसी क्रम में युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल ने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि इस मामले में लड़ाई अब लंबी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान हंगामा करने वाले विधायकों की मुश्किलें बढ़ने की कही बात। बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा किया गया था, हालांकि इन हंगामों को करने वालों पर सरकार इन्हें बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है, जिसके तहत बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बजट सत्र में हुई घटना पर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सदन में बजट सत्र के दौरान हंगामा करने वाले विधायकों पर गाज गिर सकती है। बातों ही बातों में विधानसभा अध्यक्ष ने इसको लेकर संकेत दे दिया है, जिसके तहत उन्होंने
ये भी कहा है कि जिन भी लोगों ने सदन की गरिमा को कलंकित किया है, आचार समिति उसको देखेगी और एक्शन भी लेगी। उन्होंने कहा कि मामला प्रक्रियाधीन है। आज से देना होगा बढ़ा हुआ टोल टैक्स। टोल रोड पर आवाजाही करना आज से महंगा होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार टोल रोड का इस्तेमाल करने वालों की जेब आज से और ज्यादा ढीली होने वाली है, क्योंकि अब लोगों को टोल टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा देना होगा। इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बीती रात ही टोल टैक्स में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग श्रेणी की गाड़ियों के लिए दरों में भी इजाफा कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल टोल टैक्स के दाम में 1 अप्रैल को ही वृद्धि की जाती है, जिसके बाद कार और जीप को अब 115 रुपए, रिटर्न जर्नी के साथ 165 रुपए, LCV श्रेणी के लिए सिंगल साइड का 170 रुपए और रिटर्न का 260 रुपए, 2XL ट्रक और बस के लिए सिंगल साइड का टोल टैक्स 345 रुपए और रिटर्न जर्नी का 515 रुपए, 3 से 6 XL की गाड़ियों के लिए सिंगल साइड का 520 रुपए और रिटर्न जर्नी के साथ 780 रुपए चुकाना होगा। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को आज से लगेगी वैक्सीन। कोरोना के मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद ये तो तय माना जा रहा है कि इस बीमारी पर अंकुश लगाने में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाना ही एकमात्र उपाय है। इसी को समझते हुए सरकार ने आज से देश भर में वैक्सीनेशन के लिए 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी योग्य करार कर दिया है, जिसके बाद बिहार में भी आज से इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार सरकार ने सभी शिक्षकों और राज्य सरकार के कर्मियों को टीका देने का फैसला आज ही किया है। राज्य सरकार के कर्मियों के अलावा उनके परिजनों को भी आज टीका लगाया जाएगा। गिरिराज सिंह को लेकर टिप्पणी करने वाले रेलवे अधिकारी का हुआ तबादला। भाजपा के बड़बोले नेता अक्सर अपने बयान के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। हालांकि गिरिराज खुद कुछ कहे या गिरिराज को लेकर कोई बात कही जाए, दोनों मामले में माहौल गर्म हो ही जाता है। इसी का प्रमाण हाल ही में देखने को मिला, जब रेलवे अधिकारी को गिरिराज सिंह के खिलाफ बोलने का अंजाम भुगतना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की भी हैसियत बताने वाले रेलवे अधिकारी पर गाज गिर गई है। सरकार की भारी फजीहत के बाद रेल मंत्री के आदेश पर अधिकारी अरविंद रजक का तबादला कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में तैनात अरविंद रजक को दक्षिण पश्चिमी रेलवे में भेज दिया गया है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की उठी मांग। बिहार में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक गलियारे में भी गर्माहट बढ़ती जा रही है। 23 मार्च को हुए वाक्य के बाद तो विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के कट्टर दुश्मन के रूप में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में अब सत्ता पक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठने लगी है, जिसके तहत राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीदने बेचने से पहले सरकार को जानकारी देना अनिवार्य करने का फैसला भी नौकरशाही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला है। यदि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गंभीर है तो उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। कप्तान इयोन मॉर्गन ने केकेआर के लिए हरभजन की भागीदारी को लेकर कही अहम बात। आईपीएल ऑक्शन में इस बार सभी टीमों ने कुछ शानदार खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑक्शन में बेहद समझदारी दिखाई है और हरभजन सिंह, बेन कटिंग, करुण नायर जैसे दमदार प्लेयर्स को काफी कम दाम में खरीद लिया है। इसी बीच टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन ने कहा है कि हरभजन के आने से टीम का स्पिन विभाग काफी मजबूत होगा और धीमी पिचों पर ऑफ स्पिनर का अनुभव काफी काम आएगा। उन्होंने आगे कहा है कि हरभजन को हमारी टीम से जोड़ने से हमारी टीम मजबूत हुई है। जब आप हमारे स्पिन विभाग को पूर्ण रूप से देखोगे तो यह टूर्नामेंट के बेस्ट में से एक है और यह काफी शानदार है। स्वतंत्रता सेनानी द्वारिको भाई सुंदरानी ने दुनिया को कहा अलविदा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ चलने वाले स्वतंत्रता सेनानी द्वारिको भाई सुंदरानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, द्वारिको भाई सुंदरानी समन्वय आश्रम बोधगया के संस्थापक, अनौपचारिक शिक्षा के प्रणेता, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के पूर्व सचिव, बोधगया में 37 सालों से चल रहे भंसाली ट्रस्ट संचालित नेत्र चिकित्सा शिविर के मुख्य आयोजक रह चुके थे। आपको यह भी बता दें कि द्वारिको महात्मा गांधी, संत विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे कई महान विभूतियों के साथ रह चुके थे। 10वीं का पहला शूटिंग शेड्यूल आगरा में हुआ खत्म। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी नई फिल्म 10वीं के शूट में बिजी थे। हाल ही में अभिषेक ने आगरा में जारी 10वीं का पहला शेड्यूल शूट पूरा कर लिया है। पहला शूट खत्म होने के बाद फिल्म के दूसरे शूटिंग शेड्यूल के लिए अब 10वीं की पूरी टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि फिल्म में अभिषेक बच्चन का लुक चर्चा में बना हुआ है। अभिषेक बच्चन पगड़ी के साथ ही बड़ी बड़ी मूछों में नजर आ रहे हैं। अभिषेक के इस लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और फिल्म की रिलीज के लिए काफी उत्सुक भी हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले अभिषेक ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म शूटिंग के एक सीन को शेयर किया था, जहां पर कई सारे लोग उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का फैसला कोरोना रोकथाम में कारगर साबित होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।